नमस्कार दोस्तों, जय भैरवनाथ। मैं महावीर ओझा अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आज माँ तरनोट के दरबार में यहां पे उपस्थित हुआ हूं और माता रानी तरनोट राय के दर्शन आपको कराने जा रहा हूं। ये इस मंदिर का इतिहास ये है कि आवड़ आदि सातों बहनों ने जब अवतार लिया था इस हमारे मरु क्षेत्र के अंदर जैसलमेर के अंदर, तो माँ ने बहुत से चमत्कार दिखाए थे उस समय। तो तरुणराव भाटी जो जैसलमेर रियासत के अंदर राज्य करते थे, भाटियों के द्वारा ही जो जैसलमेर किले का निर्माण किया गया है, तो तरुणराव भाटी ने इस मंदिर का निर्माण कराया और माँ के हाथों से इस मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई और उनसे प्रार्थना की कि माँ आपके द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण करें और आप प्रतिष्ठा करें। तो माँ ने अपने हाथों से इस मंदिर की प्रतिष्ठा की और माँ ने वरदान दे दिया कि जाओ तरुणराव, आज इस मंदिर का नाम तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा और तरुणराव भाटी के नाम से इस मंदिर का निर्माण और मंदिर का नाम तरनोट राय के नाम से जाना जाता है। ये माँ के मंदिर के निज तस्वीर, निज मूर्ति आपको दिखाई दे रही है और बॉर्डर जो BSF के जवान है, हमारे BSF के जवान के द्वारा ही इस मंदिर का रखाव किया जाता है, इस मंदिर की सेवा की जाती है। ये देखिए BSF के जवान हमारे सामने उपस्थित हैं, खड़े हैं। माँ का निज मंदिर है, माँ का निज धाम है, बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। पाकिस्तान बॉर्डर के पास में लांगेवाला के पास में इस माँ का मंदिर है, माँ का निज मंदिर। तो माँ के मंदिर की सेवा हमारे सीमा सुरक्षा बल के द्वारा की जाती है और हमारे पुजारी जी यहाँ पे मौजूद है। तो वैसे तो आपको इतिहास बता दिया, फिर भी उनके मुखारविंद से मैं इनके माँ के बारे में सुनना चाहता हूँ। तो पुजारी जी, आपसे निवेदन है कि आप माँ के बारे में कुछ बताइए। ये जो माता जी का मंदिर है, जो कि 1965 की जब वार हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, तो 17 नवंबर 1965 को पाकिस्तान ने इस मंदिर को तीनों तरफ से घेर रखा था और जो ये लोंगे वाला पोस्ट है उसको भी पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा था और वो 1200 सैनिकों के साथ इस मंदिर पे आक्रमण किया था पाकिस्तान ने और 3500 बम के गोले इस मंदिर परिसर पर दागे थे, जो कि माता जी के शक्ति से इस मंदिर को खरोंच तक ले गए और 450 बम मंदिर परिसर में गिरे थे जो बिल्कुल फटे नहीं। माता जी का जो टीने का छत बना हुआ था उस छत के ऊपर 7 बम गिरे थे जो बिल्कुल नहीं फटे। ये माता जी का चमत्कार है और ये जो माता है हिंगलाज शक्तिपीठ के रूप है और इस माता को लड़ाई ख़त्म होने के 10 साल के बाद जो पाकिस्तान के कर्नल थे, जो कमांड कर रहे थे अपने पाकिस्तान के लड़ाई के दौरान, वो इस माता जी को दर्शन करने ब्रिगेडियर बन के भारत आए थे और चांदी के बड़े बड़े 4 छतर यहाँ पे चढ़ाए और बोले कि हे माता, आप सर्वशक्तिशाली हो। मैं लाख कोशिश करने के बाद भी इस मंदिर का बाल बांका नहीं कर पाया और मैं हार गया और 1965 से यहाँ पर BSF मंदिर की देख रेख, पूजा पाठ सब BSF के लोग करते हैं और यहाँ की जो भव्य आरती होती है वो बहुत लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। कभी कभी ये आपकी लाइव टेलीकास्ट भी किया जाता है। जय माता दी। जय माता दी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीमा सुरक्षा बल के द्वारा हमारे इस मंदिर के रखरखाव सेवा की जाती है और बहुत ही सुंदर है। माँ के चमत्कार के बारे में हमारे सीमा सुरक्षा बल के जो पुजारी जी हैं उन्होंने हमारे को बताया और आपको मैं दृश्य दिखाऊंगा, जो बम पड़े हैं, वो मिसाइलें पड़ी हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आप भी जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान बॉर्डर लांगेवाले के पास में ये मंदिर है, तो आप यहाँ पर आइए, माँ के चमत्कारी मंदिर का दर्शन कीजिए और अपने जीवन को चरितार्थ कीजिए। माँ के मंदिर के बारे में आपको हमारे ये सीमा सुरक्षा बल के जो जवान है वो हमारे बताने जा रहे हैं। तो इस मंदिर का निर्माण कब कराया गया, किसने करवाया, आप इसके बारे में बताइए। इसका जो प्राचीन मंदिर था, जो भाटियों के अंतिम राजा तरनोट भाटी जो थे, उन्होंने सन 888 में माता का मंदिर का निर्माण कराया और 847 में तनोगढ़ का स्थापना कराया था। चूँकि तरनोट भाटी ने इस मंदिर का स्थापना कराया इसलिए अमर माता का नाम तरनोट राय पड़ गया। चूँकि ये सिद्ध शक्तिपीठ हिंगलाज की स्वरूप है, हिंगलाज माता ने ही मोमड़िया जी के घर में जन्म लिया था सात बहनों के रूप में, तो ये कह सकते हैं कि ये शक्तिपीठ ही है। यहाँ पर जो भी वक्त आते हैं उनकी कामना पूरी होती है। बीते समय के साथ में जो प्राचीन मंदिर थी वो रेत के टीले के नीचे दब गई थी। 1965 में जो इंदो पाक वार हुआ उस समय माता के इस मंदिर का एक विश्वव्यापी उद्गम हुआ कह सकते हैं, क्योंकि उस समय एक छोटी सी यहाँ पर BSF की प्लाटून पोस्ट रहती थी, तो
वहाँ पर एक छोटी मंदिर बना करके पूजा पाठ किया करते थे। चूँकि यहाँ के जो लोकल है चारण और भाटी, उनकी ये कुल देवी है, तो इनकी महिमा के बारे में उन्हें तो पता था, लेकिन ये विश्वव्यापी नहीं था। फिर जो 1965 युद्ध हुआ, उसमें माता का चमत्कार, माता की महिमा सामने आई, और इस तरह से माता की जो महिमा है वो सभी लोगों के पास पहुंची। और इसमें पाकिस्तान बुरी तरह से परास्त हुआ था। हमारे पास, हमारे इंडियन आर्मी के पास, BSF के पास में उस समय इस पोस्ट पर बहुत ही सीमित साधन और संसाधन थे, उसके बावजूद भी इंडिया ने जीत हासिल की थी उस युद्ध में। आप लोगों ने बॉर्डर मूवी देखी है, बॉर्डर मूवी उसका एक झलक है, उसका एक कह सकते हैं कि वो एक छाया प्रति है। बॉर्डर मूवी में जो भी दिखाया गया है उसमें 90% तक का सत्य है। उसमें जो छोटी मंदिर दिखाई गई है जिसमें चारों तरफ कई बम गिर रहे हैं, और हमारे भैरव सिंह राठौर जो थे यहाँ पर, जो BSF के थे, उनकी रोल सुनील शेट्टी ने अदा की थी, वो माँ से शक्ति मांग रहे हैं, तो वैसे ही छोटी मंदिर यहाँ पर थी। और 1965 के बाद में ये मंदिर रेनोवेशन होते गए और इतना बड़ा अभी भव्य मंदिर हो गया। अभी माता का एक और भव्य मंदिर बन रहा है, इसी मंदिर को और भी विशाल रूप दिया जा रहा है, जो आपको साल दो साल के अंदर में देखने को मिलेगा। जय माता दी, जय माता, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, माँ से मनोकामना के लिए ये रुमाल बंधे हुए हैं। जो भी तंडोट राय के मंदिर में आता है, माँ से मनोकामना के लिए ये रुमाल यहाँ पे बांध के जाता है, माँ की चुनरी बांध के जाता है। हमारे यजमान राजकुमार जी भी यहाँ पे ये अपनी मनोकामना, कोई मनोकामना लेकर के आए हैं, तो माँ इनकी मनोकामना पूर्ण करे। ये उन्होंने चुनरी रुमाल बांधे हैं, ये यहाँ पे देखिए आपके बहुत सुंदर दृश्य है। ये चुनरी रुमाल बांधे हुए हैं, माँ का मंदिर का भव्य स्वरूप। ये सभी भक्त लोग आकर के माँ के मंदिर में चुनरी रुमाल बांधते हैं। ये देखिए, भारत पाकिस्तान का 1965 का युद्ध हुआ, तो उनकी झलकियाँ हैं यहाँ पे युद्ध लड़ते हुए। और ये देखिए मिसाइलें, 1965 में पाकिस्तान के द्वारा जो मिसाइलें यहाँ पे छोड़ी गई थी, उन मिसाइलों की तस्वीरें हैं जो यहाँ पे पड़ी है। और ये बम, ये मिसाइलें आपको दिखाई दे रही है सारी सारी, और ये मिसाइलें हैं। बॉर्डर पिक्चर में सुनील शेट्टी ने जो रोल किया था इनका, भैरव सिंह राठौड़ का, ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है भैरव सिंह राठौड़, इन्हीं का रोल सुनील शेट्टी ने बॉर्डर पिक्चर में किया था। ये देखो चमत्कार है, माँ का बहुत चमत्कार। ये मिसाइलें, ये बम यहाँ पे पड़े हैं, माँ ने निष्क्रिय कर दिए और एक भी बम को नहीं पटने दिया। तब से ये मंदिर बहुत ज़्यादा चमत्कारी हो गया, फेमस हो गया, और माँ के चमत्कार बहुत हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं। माँ का विशेष दरबार, माँ का सुंदर दृश्य, माँ का सुंदर मंदिर, तन्नोट राय का मंदिर, आप यहाँ पे आइए, दर्शन करिए। माँ के मंदिर के अंदर का दृश्य है, ये बहुत सुंदर मंदिर है। और ये माँ के बाहर का प्रांगण, जहाँ पर बहुत से श्रद्धालु लोग आते हैं, और ये माँ का मंदिर का प्रवेश द्वार, माँ के मंदिर के प्रवेश द्वार, हाँ ये माँ के लिए छोड़ देते हैं यहाँ पे। और काफ़ी श्रद्धालु, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ है। ये देखिए, बहुत से स्कूल के बच्चे लोग पधारे हुए हैं। ये माँ के मंदिर के बाहर का दृश्य है, माँ का मंदिर है और माँ के मंदिर का बाहर का दृश्य ही आपको दिखाई दे रहा है। ये सीमा सुरक्षा बल BSF के जवान मंदिर की सेवा करते हैं। शाम की जो आरती होती है मंदिर की, बहुत ही सुंदर होती है। और आइए मैं आपको और कुछ दृश्य दिखाता हूँ। तो जैसलमेर से 120 किलोमीटर की दूरी पे माँ का ये मंदिर है, आप आइए माँ के दर्शन के लिए। ये देखिए BSF के जवानों की, सीमा सुरक्षा बल के जवानों के ये ट्रक लोग खड़े हैं। ये पूरी चौकी है यहाँ पे पाकिस्तान बॉर्डर पे। और भगवान भैरवनाथ का मंदिर, ये भगवान भैरवनाथ का मंदिर है। ये देखिए माँ के जो अगवान के रूप में भगवान भैरवनाथ का मंदिर, मंदिर प्रांगण का बाहर का दृश्य, मातेश्वरी तनोट राय मंदिर बाहर का दृश्य, काफी श्रद्धालु लोग
बहुत से स्कूल के बच्चे लोग आते हैं, बहुत भीड़ है। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर सभी शहरों के लोग, सभी राज्यों से, सभी नगरों से यहाँ पे आते हैं और इस चमत्कारी मंदिर के दर्शन करते हैं, चमत्कारी मंदिर के दर्शन करते हैं। हाँ, तो ये देखिए दोस्तों, माँ के मंदिर का प्रवेश द्वार, माँ के मंदिर का स्तंभ, तन्नोट राय मातेश्वरी मंदिर का ये प्रवेश द्वार है। और ये ध्वजा बॉर्डर से रिपोर्ट लगी हुई है। बाहर, ये बाहर का दृश्य है, काफी लोग आते हैं। ये मंदिर के बाहर का दृश्य है, बाहर बहुत सी गाड़ियां खड़ी है, हिंदुस्तान के हर राज्य से, हर शहर से यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो आप सभी से निवेदन है, आप भी माँ के इस मंदिर का दर्शन कीजिए। जैसलमेर से 119 किलोमीटर या 120 किलोमीटर मान लीजिए, प्राय 120 किलोमीटर की दूरी पर है ये मंदिर। और माँ के मंदिर का दर्शन करके माँ के मंदिर से लाभ उठाइए। इस मंदिर के बारे में मैंने आपको जानकारी, जितनी मेरे को जानकारी थी उतनी जानकारी मैंने आपको दे दी। और अब अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय भैरुनाथ, जय तरनोट राय, जय माँ आवड़।